मध्य प्रदेश से मंगलवार को मानसून की पूरी तरह से विदाई हो गई है और मौसम विभाग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस विदाई के बावजूद प्रदेश के कई जिलों में नए मौसम सिस्टम का असर बारिश के रूप में देखा गया है। खासकर इंदौर, धार और कटनी जैसे जिलों में बारिश हुई है, जबकि भोपाल में धूप और छांव का मौसम बना रहा। वर्तमान में प्रदेश में एक नया सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है, जिसके कारण कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या के अनुसार यह सक्रिय सर्कुलेशन सिस्टम अगले एक दो दिनों में समाप्त हो जाएगा, जिससे मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। इसके बाद 20 अक्टूबर के बाद हल्की ठंड की शुरुआत होने की संभावना है, जिससे लोग सर्दियों की दस्तक का एहसास कर सकेंगे। मौसम के मौजूदा हालात के अनुसार लो प्रेशर एरिया अब डिप्रेशन में बदल चुका है। इसकी वजह से अगले 24 घंटों में कुछ जिलों में बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रहने की संभावना है। हालांकि 16 अक्टूबर से मौसम में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे लोग एक साफ और सुखद मौसम का अनुभव कर सकेंगे। डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार मंगलवार को पश्चिम मध्य प्रदेश के धार जिले में सबसे ज्यादा 67 मिमी बारिश दर्ज की गई, वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 120 मिलीमीटर बारिश हुई। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि नए सिस्टम का प्रभाव प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रहा है, जिससे किसानों और स्थानीय निवासियों के लिए यह मौसम महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रदेश में दिन का अधिकतम तापमान बड़वानी और शहडोल जिलों में दर्ज किया गया है। अन्य जिलों का दिन का तापमान समान बना रहेगा। इस दौरान लोग अपनी दिनचर्या में तापमान के अनुसार आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खरगोन, सीहोर, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और अनूपपुर जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस बारिश से न केवल मौसम में बदलाव होगा, बल्कि यह स्थानीय जलवायु को भी प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 अक्टूबर के बाद प्रदेश में ठंड बढ़ने का असर दिखाई देने लगेगा, जिससे रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है। हालांकि दिन का तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच बना रहेगा। अक्टूबर के अंत में दिन के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है, जिससे सर्दियों का स्वागत होगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश में मौसमी बदलाव के चलते लोग अपने कपड़ों और दैनिक गतिविधियों में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं और मौसम के इस परिवर्तन का लाभ उठा सकते हैं।